बहुत याद आएगी। तुम रो क्यों रही हो, जल्दी आ जाएंगे हम लोग। तो बिना बंसार के नेपाल से कैसा निकला जाए आज हम आप लोगों को दिखाएंगे। नेपाल में कोई है क्या, कोई लड़की वड़की सेट कर ली क्या भाई? ऐसा कुछ भी नहीं। पीछे वो गिर गया, वो तो शुक्र है भाई। अबे वो भी गिर गया। अरे 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 भाई साहब, कहाँ करोगे क्या? पसंद है आपको कावासाकी? जंगल में होगा मंगल, सोचो अब शेर आ गया तो क्या होगा। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज है फाइनल डे, हमारा आखिरी दिन नेपाल में पोखरा में। तो आज का क्या सीन है, आज हमें बहुत ही ज्यादा एडवेंचर करने वाले हैं। शायद कुछ कंट्रोवर्सी भी हो जाए पुलिस वालों से, क्यों सूरज साहब, हो सकती है। तगड़ी होगी भाई, जो भी हो। रीजन बता देते हैं क्यों, क्योंकि हम लोग ना बंसार दो दिन पहले एक्सपायर हो चुका है और बिना बंसार के हम लोग घूम रहे हैं। एक दिन का फाइन मेरे ख्याल से 2500 रुपए है ना, और ये जो बंसार एक्सपायर हुआ है जावेद भाई की वजह से हुआ है। ये बीच में कहीं रुक गए थे, उनकी गर्लफ्रेंड नहीं, 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 वो पुलिस रुकेगा ना। जावेद भाई का ढस्सा है, जावेद भाई कह रहे हैं बिना बंसार के नेक्स्ट टाइम आओ, कोई टेंशन नहीं, मेरा नाम ले देना, जीडी राइडर 1000। क्यों सूरज साहब? फुल ढस्सा है, फुल ढस्सा है भाई साहब। जहाँ जाते हैं, अभी हम प्रोग्राम में नीचे घूम रहे थे, भाई साहब लड़कियां आई पागल हो गए, ओह माय गॉड चीनी, कम ऑन आई लव यू, वी लव यू, फुल फोटो वोटो खिंचवाई थी, पप्पे ले ली इनकी। भाई लेंगे क्यों नहीं, देख रहे हो बिहार के सल्लू भाई हैं हमारे। और ये हमारे लक्ष भाई, लक्ष भाई क्या हाल है? बढ़िया। एंड नेक्स्ट टाइम पूरा तुम घुमाओगे पोखरा? बिल्कुल नहीं घुमाया तो फिर यहीं से धक्का दे दिया जाएगा। देखो मॉर्निंग व्यू हम लोगों ने आपको कल भी दिखाया था, आज एक बार फिर से देख लो, व्यू ही जबरदस्त है। बस यहाँ पे नैनीताल वाला बेहतरीन, यहाँ बैठ के हमने एक रील बनाई इंस्टाग्राम पे, जाके देख लेना इसी कुर्सी पे, बहुत क्रेजी रील है। तो अभी यहाँ से सूरज भाई अलग रास्ते निकलेंगे, मैं और जेडी भाई जाएंगे अलग रास्ते। गाइस फाइनली नीचे आ चुके हैं, पैकिंग वगैरह पूरी हो चुकी है, इधर हमारी बाइक्स हैं, सूरज भाई दूसरे रास्ते पे जाएंगे, ये हमारी टेनार, ये हम अलग रास्ते से। ताबा भाई ढूंढने वाले यार, तुम्हारी बहुत याद आएगी। कब आ रहे हो दिल्ली में? एक महीना यार, तुम रो क्यों रही हो, जल्दी आ जाएंगे हम लोग, टेंशन मत लो। अरे डोंट वरी, तुम बुलाओगे जल्दी आ जाएंगे सारे भाई मिलकर, ठीक है। तुम कब आ रहे हो दिल्ली? अलविदा हो रहा है थापा भाई को। अरे वाह, तो बढ़िया लग रहे हैं, फोटो खिंचाएंगे बोल रहे हैं सूरज भाई। चले भाई बिना बंसार के, आई एम गोना मिस यू भाई साहब। मैं जावेद भाई अलग रास्ते से जाएंगे, सूरज भाई अलग रास्ते। सूरज यार भी छोड़ के मत जा, सॉरी मेरे। सबसे कमाल की बात तो ये अपन लोगों के पास बंसार भी नहीं है। फिर से कुछ कांड होगा, मतलब नेपाल आए और कांड ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? रास्ता वही है जिस रास्ते से हम लोग रात में आए हैं, आराम आराम से चलेंगे। बाय बाय बाय, आई एम गोना मिस यू। अब करते हैं राइट साइड, बिस्मिल्लाह पढ़ के। और यहाँ पे नेपाल में भाई साहब सबसे ज़्यादा हाइप टेनार की है, दो बार आया हूँ, दोनों बार देख लिया, पब्लिक टेनार को ज़्यादा पूछती है। ऐसा नहीं है कि दूसरी बाइक्स को उतना पूछती नहीं, उनको भी पूछती है, बट कहते हैं ना कि रौला टेनार का भाई यहाँ पे, जो बात है। तो अब हम निकल रहे हैं पोखरा से बाहर, फुल क्रेजी पब्लिक रिएक्शंस मिल रहे हैं अपन लोगों को। आराम आराम से चलेंगे, क्योंकि कई पुलिस वालों ने रोक लिया तो भाई बंसार पूछेंगे। और तो बिना बंसार के नेपाल से कैसा निकला जाए आज हम आप लोगों को दिखाएंगे। जावेद भाई की बाइक पे पूरा सामान हमारा लोड हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं इनके घर सीतामढ़ी, फिर वहाँ से मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से पटना, फ्लाइट से दिल्ली। भाई घर की बहुत याद आ रही है, एक हफ्ते से घर से बाहर हूँ। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई नेपाल में कोई है क्या, कोई लड़की वड़की सेट कर ली क्या? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है यार, पर लोग बस ही घूमने आए थे, प्लान बन गया था, सोचा न्यू ईयर पे एक और इंटरनेशनल राइड करते हैं, तो बस ये सीन था। ना नेपाल में कोई है ना बिहार में कोई है, ठीक है ना।
क्योंकि भाई साहब इंस्टाग्राम पे थोड़े थोड़े मैसेज आते हैं, भाई कोई आपने नेपाली, किसी नेपाली से शादी कर ली आपने, या नेपाल में कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? मैंने कहा नहीं यार, तो ये इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो आप मेरी जान खुशी देख रहे हो लौंडे के चेहरे की, भाई यही जो स्माइल आती है ना आप लोगों के चेहरे पे, पैसा वसूल हो जाता है गाइस। पीछे मुझे लगा पुलिस वाले रोकेंगे, पूछ रहे थे नंबर प्लेट कहाँ है, लेकिन थैंक गॉड बच गए। हेलो भाई साहब, एक चेक पोस्ट तो क्लियर हो गया। शांत रहो, एकदम ठंडे दिमाग से बात करो, कुछ नहीं होगा। वो देखो सामने पहाड़, आजकल आप लोग एक रील देख रहे होंगे कि एक लड़की नए से वीडियो बनाई फिर पहाड़ दिखाती है, पोखरा की है, पोखरा एयरपोर्ट वाला रोड है, अभी दिखा था, बट फॉग हो रखा है ना ऊपर तो इसलिए सही से पहाड़ दिख नहीं रहे। बाकी वो वाला व्यू मैंने भी दिखा था भाई, क्रेजी लग रहा था, बट टाइम वीडियो बना नहीं पाया। तो गाइस जरा एक बार ये रास्ता देखो, ये पोखरा से लेके काठमांडू लगभग 200 किलोमीटर पूरा ऐसा ही रास्ता, पीछे से लेके आगे तक। ये देखो आप लोगों को तो देखने में बहुत आराम लग रहा होगा, मतलब अगर आप लोग टीवी पे देख रहे होगे या फोन पे, मुझसे पूछो क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है मेरे को। तो भाई सुपर स्पोर्ट्स है ये पूरा, इसकी जो राइडिंग पोजीशन है बहुत ही अग्रेसिव है, पूरा झुक के चलानी पड़ रही यहाँ, और दोनों हाथों में रिस्ट में इतना भयंकर दर्द हो रहा है, ऊपर पीछे से एक बैग है मेरे कंधे पे। ये देखो भाई फुल खुदाई चल रही है, अरे भाई भाई ओए। और जरा व्यू इधर राइट में व्यू देखो, लेफ्ट में देखो, और आप लोगों को पता है ये जो रोड है, ये हाईवे, ये चाइनीज गवर्नमेंट बना रही है। वो गिर गया, वाह सामान भी गिर गया, ये क्या हो रहा है भाई, वो तो शुक्र है भाई। अबे वो भी गिर गया, वाह देख रहे हो सामान के भी लग गए। बाइक को साइड में लगाते हैं फिर सामान बांधा जाएगा यहाँ पे। कैसे सामान बांधा था भाई, भाई साहब एक बार देखो जरा, सामान बांधना पड़ेगा भाई। इसी पे साइड में बांधना था पता है, लोगों करते हैं। ये लो भाई और भी भयंकर रास्ता, फुल कीचड़ कीचड़ हो रखी है, बाइक ऐसे स्किड हो रही है इधर उधर, ऐसा लग रहा है स्लाइड हो रही है भाई भाई, मतलब आदमी ना बोर हो जाएगा यार इस रास्ते पे, कितना बुरा रास्ता है ये साला। थोड़ा सा देखो ऐसा पैच आ जाएगा बीच बीच में, ये ऐसा तो बोलेगा वॉक तो रोड में जाएगा, बट सिर्फ कितना सा पैच है ऐसा, बाकी पूरा गड्ढे पट्टे ये वो मोहतर मजरात, मज़ा आ रहा है देखने में नहीं, आप बताइए हमारी तो हालत ख़राब हो रखी है, बट आप लोगों को पसंद है एडवेंचर तो 10 आवर से एडवेंचर कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है भाई हकीकत में, उसके बाद इतना सारा जो कंटेंट होगा उसको। ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आपको गाइस? अरे 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 भाई साहब कहाँ 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 चलोगे क्या? तो पीछे बिठा लेते हैं, सीट होती तो मैं बिठा लेता, इंडिया लेके चलते हैं। देखो कितना बढ़िया हो गया, बीच में बस ये 1-2 किलोमीटर का पैच है जो अच्छा हो रखा है, हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया इसलिए अपन ने क्रूज कंट्रोल लगाया, थोड़ा हाथों को रेस्ट दे रहा हूँ। बाकी जावेद भाई पीछे हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है भाई साहब, अभी ये वन वे है, मतलब उधर का रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इधर का चल गया। अगर सोचो ऐसा रोड बन जाए काठमांडू से पोखरा तक, भाई साहब क्या मस्त लगेगा भाई। आप ज़रा व्यू देखो, अब फुर्सत से बताऊंगा, यहाँ पे पहाड़ उधर जंगल और बीच में ऐसा रास्ता, ओहो। बाकी अगर आप में से कोई काठमांडू से पोखरा आना चाहता है बाइक से तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, इससे अच्छा तो भाई फ्लाइट से आ जाओ, 2400-2500 रुपये की फ़्लाइट है काठमांडू टू पोखरा, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आधे घंटे में पहुँच भी जाओगे और ये सारी दिक्कतें और मशक्क़त से आप लोग बच जाओगे, समझ रहे हो ना। तो
गाइस अभी हमने कौन सी जगह है ये मुगलिंग में काफ़ी मशक्कत के बाद यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर बर्दीबास के लिए। इधर से जाएंगे तो काठमांडू है और यहाँ से हम लोग आए पोखरा की तरफ। तो काफ़ी टाइम से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, सुबह से ऑलमोस्ट कुछ नहीं खाया था, सिर्फ चाय पी थी। अभी हम लोगों ने लंच किया है, उसके बाद यहाँ से भाई ऑलमोस्ट पहुँचते पहुँचते हम लोगों को रात होने वाली है। देखो जावेद भाई के साथ एकदम फोटोज वगैरह क्लिक हो रहे हैं, जावेद भाई की फैन फॉलोइंग है नेपाल में क्रेजी। तो जल्दी से पैकअप करते हैं भाई, अब पहाड़ों में फिर से रात में बाइक चलानी पड़ेगी यार। एक तो ये वाइजर की ना बड़ा सीन है, इसका कुछ करना पड़ेगा मुझे नेक्स्ट टाइम ना, मैं क्लियर वाइजर लेके चलूँ। तो उधर जावेद भाई गए बाइक लाने, क्योंकि इन लोगों को आवाज़ सुननी थी बाइक की। कौन सी पसंद है आपको, 10R? मैं कह रहा हूँ पसंद है आपको कावासाकी? ये देखो भाई, मतलब नेपाल में है कावासाकी का बहुत क्रेज है। ये देखो भाई वीडियो चल रही है, इधर जावेद भाई हवाबाजी कर रहे हैं दवा के। हाँ ये देखो जावेद भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये देखो भाई, कैसी लगी आवाज? अच्छी लगी? फुल फोटो शूट चल रहा है भाई, मतलब है भाई कावासाकी का ठस्सा, नेपाल में तो बहुत क्रेज है। तो भाई यहाँ से खाना पीना हो गया, अब निकल रहे हैं। रिएक्शन तो आप लोगों ने देख लिया पब्लिक का, भाई क्या क्रेजी था। ये देखो फुल भीड़ भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, हर कोई देख रहा है भाई, जहाँ नजर घुमाओगे। अरे पुलिस वाले डंडे तोड़ेंगे, सुझा देंगे ये। चलो जी चलो जी। भाई साहब अब यहाँ से बॉर्डर है लगभग 250 किलोमीटर और अभी बज रहे 4:40, हमें पहुँचते पहुँचते 9-10 बज जाएंगे। हाँ बट एटलीस्ट ये है कि यहाँ से जो है रास्ता अच्छा मिलेगा। सूरज भाई हमारे पता नहीं कहाँ पे होंगे इस टाइम, क्या ब्लॉक कर रहे होंगे, बट एटलीस्ट ये है कि जिस रास्ते से वो गए वो पूरा रास्ता ऐसे ही था, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बाकी मेरे तो बैंड बाजा बारात हो रखी है अभी। अरे तू बंद क्यों हो रही है बहन? अरे इसमें क्या इशू हो रहा, बार बार बंद हो रही है? ज़रा देखो, ऐसा लग रहा है कसौल जाते हुए जैसा रास्ता पड़ता है ना, बिल्कुल वैसा है, बहुत खूबसूरत। तो गाइस ज़रा ये वाला रास्ता चेक करो भाई, इतना मज़ा आ रहा है ना चलाने में, मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि अपन लोग पहाड़ों में चला रहे हैं। एक तो मक्खन मलाई, कोई गड्ढा नहीं, कोई पत्थर नहीं, और व्यू भाई साहब इतना मज़ा आ रहा है, ऐसा ही बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग 4-5 घंटों से ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे बाइक चला रहे थे और ये रास्ता जब से ऐसा लग रहा है, पता नहीं, मैं तो BIC पर बाइक चला रहा हूँ, एकदम ट्रैक रेसिंग ट्रैक जैसा लग रहा है। रोड भी बहुत ही बढ़िया है और इतना चौड़ा कि भाई आराम से गाड़ियाँ ओवरटेक हो रही है। अभी तक का नेपाल का सबसे बढ़िया रास्ता मुझे ये लगा, मैं इतनी जगह घूमा हूँ जो मुगलिंग से बर्दीवास के लिए है सबसे बेस्ट रास्ता भाई। तो गाइस ये देखो, मैंने 10R चलते चलते मॉडिफाई कर दी। तो अभी मैं चला रहा हूँ बेनेली, जावेद भाई की 10R भी जावेद भाई की ही है, अंदा वैसा है जावेद भाई पे। तो अभी जो रोड है सारे पहाड़ ख़त्म हो गए, अब यही रोड बर्दीबास तक ऐसे ही रहेगा लगभग 200 किलोमीटर, और अब ये वाला रोड फील दे रहा है यूपी की, ऐसा लग रहा है मैं यूपी में बाइक चला रहा हूँ। और भाई साहब 10R चला चला के तो थक गया था, अब ये चला रहा हूँ ना, इतना कंफर्टेबल लग रहा है भाई, सुकून, मस्त बैठा हुआ सीधा ऐसे करके भाई, कोई कमर में पेन नहीं हो रहा ना हाथों में, बहुत ही कंफर्टेबल भाई के भाई। और गाइस देखो यूपी में चलते चलते हम लोग कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए जंगल, जंगल में होगा मंगल, सोचो अब शेर आ गया तो क्या होगा भाई, होगा जो मंजूर है खुदा होगा। भाई ठंड हो रखी है बढ़िया और हवा चल रही है, मौसम एकदम चीसू चीसू प्रो मैक्स अल्ट्रा लाइट हो रखा है भाई, और सब लोग भाई साहब आगे से हाई बीम में आ रहे हैं, सीधे मुंह पे लग रही है, बट कोई नहीं ये तो होता ही है, क्या कर सकते हैं। अब बॉर्डर यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर है, उसके बाद हम वो क्रॉस करते ही इंडिया में पहुँच जाएंगे। ओ माय गॉड फाइनल, ये देखो हाथी,
अच्छा इस जगह का नाम है पारसा नेशनल पार्क। में कह रहा हूँ ना जंगल में भाई, यहाँ हाथी वाथी शेर वेर सब है भाई। रोड क्रॉस करते हैं तो उसके लिए बोर्ड लगा रखा है कि भाई ध्यान से चलो, कभी तुम्हें हाथी ना गिर जाए, तुम्हारी ऐसी तैसी ना कर दे। तो गाइस अभी हमें वहाँ जहाँ वो पीछे लाइटें दिख रही हैं वहाँ पुलिस वालों ने रोक लिया था और उन्होंने चेक करा कि भाई ऐसे लबड़ लबड़ आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो मैंने कहा इसमें से आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये 1000 cc की बाइक है। इसमें से क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये 500 cc की बाइक है। तो वो मान गए। फिर उन्होंने कहा अच्छा वो सब तो ठीक है, बंसार दिखाओ। उन्होंने बंसार चेक करा, बोले बंसार तो फेल है। अब क्या? अरे मैंने कहा सर यार आपके मेहमान हैं, ऐसा थोड़ा ही ना होता है, कुछ तो करो। फिर उन्होंने इंडियन 200 rupees में हमको छोड़ दिया। तो ये आप लोगों के लिए है, वैसे तो बंसार ऐसा करो मत कि बंसार हमेशा एक दो दिन का एक्स्ट्रा लेके चलो। और अगर बाई चांस आपका बंसार फेल हो जाए, एक्सपायर हो जाए, तो जैसे इंडिया में चलता है सिस्टम, वो यहाँ भी चलता है, समझ रहे हो ना। तो 2 गाड़ी का 200 rupees छोड़ दिया। तो गाइस बस कुछ देर और उसके बाद हम बॉर्डर पहुँच जाएंगे। लगभग 10-15 kilometers और रह गया है। हमें पुलिस वाले मिले थे, उन्होंने कहा था बर्दी बस से नहीं दूसरी जगह से जाओ। तो रास्ता कुछ इस तरीके का है, एक तो जंगल ही जंगल और ऊपर से ये देखो फॉग हो रखा है, फुल डरावना। कोई आदमी अकेले आ जाए उसकी तो कसम से हालत ख़राब हो जाए। और अभी 2-3 जगह और रुका हमें पुलिस वालों ने, बट कुछ बोला नहीं, पूछ रहे कौन सी बाइक है क्या है। बाकी सीन देखो काफ़ी स्केरी है, वो तो हल्की फुल्की लाइटें लगी हुई हैं तो थोड़ा सही लग रहा है। देखो यहाँ एक भी लाइट नहीं है, आदमी की तो हालत ख़राब हो रही है। और ऐसे में कोई रास्ते में सफ़ेद कपड़ों में दिख जाए तो भाई सुस्सू निकल जाएगा, सही बता रहा हूँ। बॉर्डर पे कैमरा बंद रखूँगा क्योंकि अगर उन्हें पता लग गया तो भाई साहब थाने में डाल देंगे मुझे। लास्ट टाइम तो मैंने 2 बार ऑन ही रखा था, बट इस बार मैं रिक्स नहीं लूँगा गाइस। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम मुजफ्फरपुर, बट हम लोग कल पहुंचे थे। हमजा भाई कल पहुंचे थे रात, हमजा भाई के घर के बाहर खड़े हुए, गेट ही नहीं खोल रहे, फोन कर रहे हैं। फिर तुम्हें पता है मेरी आवाज कैसी है, 2-3 बार गेट पीटा, 2 बार आवाज मारी, हमजा गेट पे आ गया, हाँ भाई आगे आ रहा है। तो भाई साहब बहुत बढ़िया रहा हमारा नेपाल ट्रिप, राजकुमार भाई ने बढ़िया खातिरदारी करी और साथ में हमजा भाई भी थे, बट 2 दिन पहले गायब हो गए थे। कल मैं और जावेद भाई आए, सूरज भाई अलग चले गए थे। सूरज भाई से 2-3 घंटे में हो गया है, हारिस भाई को सबने छोड़ दिया, हारिस भाई हमारे पास है अभी 1-2 दिन। पता पब्लिक लग गया है, पब्लिक बोल रही है मुझसे कि भाई बिहार में क्या है, नेपाल में लड़की वड़की पसंद आ गई है। मैंने कहा यार ऐसा कुछ नहीं है भाई, बाकी नेपाल के लोग बहुत बढ़िया है, नेपाल में बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह है। नेक्स्ट टाइम हम सोचे मस्तान, मस्तान बोलते तावांग फावांग लफांग सब कर देंगे, जितनी भी है खूबसूरत जगह है वहां पे। इस बार ज्यादा टाइम नहीं मिला। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, ये जो हमारा पूरा नेपाल की सीरीज थी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और जो भी लोग नए हैं चैनल पे जो जुड़ रहे हैं नेपाल से, हर जगह से ठोक दो अपने फोन की स्क्रीन में ना, घुसे मार दो, समझ रहे हो ना। और इंस्टाग्राम पे जो फॉलो नहीं करता फॉलो कर लेना, अबे साले। और जो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून। अब हम जा रहे हैं कल दिल्ली।